हेलो स्टूडेंट्स, लास्टली जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहले तो ये डाउट था कि सिर्फ थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे या फर्स्ट ईयर के होंगे या सेकंड ईयर के होंगे या हमें प्रमोट किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम तो बिल्कुल 100% हम लेंगे। कैसे लेंगे, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ ये एश्योरेंस भी उन्होंने दी है कि एग्ज़ाम थर्ड ईयर के लेने के साथ साथ उन्होंने सेकंड और फर्स्ट ईयर को भी बोला है कि आप भी एक नॉर्मल वे में पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अगर वो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड और थर्ड ईयर का भी, सेकेंड और फर्स्ट ईयर का भी सेम तरीके से एग्ज़ाम लेंगे, राइट। अब थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कैसे लेने की सोच रहे हैं वो लोग, थर्ड का एग्ज़ाम वो लेने की सोच रहे हैं सिट एट होम। मतलब पहले तो उन्होंने अपने सर्कुलर में लिखा हुआ है कि अगर चांसेस हुए, अगर फेवरेबल सिचुएशंस हुई तो आपके सेंटर लोकेशन दिए जाएंगे, आपके रोल नंबर्स होंगे और आप जैसे नॉर्मली सेंटर विजिट करके एग्ज़ाम देते थे वैसे आप जाएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही तो फिर भी उन्होंने बोला है कि आपके एग्ज़ाम 100% होंगे, बट द वे विल बी डिफरेंट। वे क्या होगा, वे पहली बात होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो आपको घर पे बैठ के देना है। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का नहीं होगा, राइट। सिलेबस आपका सेम होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा जिस पर अभी क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 आवर्स में करना और एक नॉर्मल तरीके का एग्ज़ाम करना और उसको ऑनलाइन कंपेरेबल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो वो हम बात की बात देखेंगे। लेकिन जो पर्पज़ अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने का है वो ये है कि जिस तरीके से आपने स्टडी करी है उसी तरीके से आप करो, जिस टीचर से भी आप कॉन्टेक्ट में हो उनसे पूछो, उनसे टाई अप करो और उनसे पैटर्न समझो, राइट। सिलेबस आपका सेम है, एग्ज़ाम आपका घर में होगा, आपके पोर्टल में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करके आपको वो अपलोड कर देना है, राइट। वो अपलोड करने और डाउनलोडिंग का आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, यानी 2 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। तरीका क्या है, आपको सिर्फ जैसे आप वहाँ आंसर शीट पर लिखते थे आपको एक प्लेन पेपर अरेंज करना है, उस पर आपको अपने आंसर्स लिखने और उसको अपने एक पर्टिकुलर जो भी पोर्टल यूनिवर्सिटी देगी उसमें आपको आपको अपलोड कर देना, राइट। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि बाकी टीचर्स ही बोल रहे हैं, मैं भी बोलता रहा हूँ कि आप अपनी नॉर्मल स्टडी कंटिन्यू करो। अगर किसी के माइंड में यह है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, हम पास कर दिए जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, तो इतना पॉसिबल नहीं कि सबको पास कर दिया जाए। अब सेकेंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है कि वो उन बच्चों का क्या होगा जिनकी कंपार्टमेंट लास्ट ईयर से या लास्ट टू लास्ट ईयर से अटकी हुई है, राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उनका भी यही है कि जो थर्ड ईयर वालों के पेपर होंगे उनको उन्हीं के साथ एनरोल करके उनका एग्ज़ाम उस तरीके से ले लिया जाएगा, राइट। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब जो क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड ईयर की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके फ्रेंड्स, उनको आप ये बता सकते हैं इस वीडियो के थ्रू कि अगर यूनिवर्सिटी थर्ड का एग्ज़ाम ले रही है और वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं तो फर्स्ट और सेकेंड का सेम तरीके से लिया जा सकता है, राइट। या फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अभी ना लेकिन नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ले ले, राइट। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा बहुत, मुझे पता है इस टाइम स्टडी नहीं हो सकती, कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आप दे सकते हैं, सब सेट में थोड़ा बहुत टाइम दें। हाँ, आपको टाइम 2 घंटे उन्होंने डिटरमिन किया तो क्वेश्चन का तरीका बदल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, राइट। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको दोनों यूनिवर्सिटी के सर्कुलर दिखा रहा हूँ जिसमें वो बोलने जा रही है कि क्या तरीका है। पहला उसका एक क्लैरिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया एग्ज़ाम होगा। दूसरा एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसपे उन्होंने एक ओपिनियन दिया है किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या उसमें उनकी डीलिंग्स, राइट। दोनों इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप पॉज करके वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। तो ओनली मैसेज दैट आई वॉन्ट टू कन्वे विद दिस वीडियो इज़ प्लीज़ कंटिन्यू विद योर स्टडी, टच विद योर टीचर वट एवर फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग क्लासेज, राइट। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, राइट। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पैटर्न क्या चेंज हो सकता है कि जैसे कि अब मुझे घर बैठ के एग्ज़ाम देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घर बैठ के एग्ज़ाम आप दे सकते हो, राइट। दूसरी बात, आपको प्लेन पेपर अरेंज करना है वो आप यहाँ वहाँ की स्टेशनरी से अरेंज कर सकते हो, पेन कॉपी आपके पास होंगे, ऐसी कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो, यस आपको अपलोड करना है,
तो जैसे आप पिक या पिक्चर अपने किसी फ्रेंड को अपलोड डाउनलोड करते थे, उस तरीके से आपको अपलोड डाउनलोड करना है। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस मुझसे ले रहे हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, उसी लिए मुझे पर्टिकुलरली वीडियो बनानी पड़ी। अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, राइट। प्रॉब्लम ये है कि जैसे सपोज करो आपने मेल आईडी जो यूनिवर्सिटी को दी थी वो आप अपडेट कर चुके हो, दूसरी हो चुकी है, या वो यूज़ नहीं हो रही, या आपको पता ही नहीं कि आप कौन सी मेल आईडी यूज़ कर रहे हो आप और आपने कौन सी दी थी, राइट, या आपने फ़ोन नंबर तब से अभी तक चेंज कर दिया है। तो इन सब की टेंशन आपकी नहीं है, राइट, इन सब की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी टेंशन को लेने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी की, और वो इस पे पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है उनका, राइट। तो नंबर अपडेट, मेल अपडेट का एग्ज़ाम से पहले आपको प्रॉपर मैसेज आएगा, आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा, आपसे आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसी पोर्टल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसी में आपको पेपर कंडक्ट करना है, राइट। अब सिंपल सी बात इतना समझिए, पेपर कैसा होगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इसकी टेंशन आपको नहीं है। आपके पास जो मटेरियल है आपको सिर्फ पढ़ना है, जो भी पैटर्न होगा आपके लिए सिंपलेस्ट होगा, क्योंकि कभी भी कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट इस एपिडेमिक में कभी भी आपका एग्ज़ाम टफ नहीं बनाएगी और तरीके को टफ नहीं किया जाएगा, राइट। सिंपल, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, आप सिर्फ कूल माइंड होकर पढ़ेंगे, और आप ये सोचेंगे कि इस टाइम अगर पूरे वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम देने का पर्पस यूनिवर्सिटी का नहीं, राइट। तो छोटा सा यही पर्पस था वीडियो बनाने का। आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी आपको लगती है जो आपकी क्लियर नहीं हुई और आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। तो जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी 14th of May को निकाला, वो ये है आपके सामने। देखिए, ये है आपके सामने वो नोटिफिकेशन जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन ऑफ 1920 इन व्यू ऑफ COVID-19, राइट। तो ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा ऑथेंटिक है, इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, कोई रूमर्स का पार्ट नहीं है, राइट। क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी बहुत सारे रूमर्स मार्केट में हैं, तो आप एक प्रॉपर जो अथॉरिटी, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी अपने नियम बताती है, उस तरीके से उन्होंने अपना बताया है। तो ये इन्होंने जो बोल्ड तरीके से लिखा है, ये है हमारी मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है। क्या लिखा हुआ है, इन केस द सिचुएशन गोज डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ COVID-19 एंड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ स्टूडेंट बिकम डिफिकल्ट, यूनिवर्सिटी विल अडॉप्ट अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। अब ये इन्होंने लिखा हुआ है बोल्ड करके, इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जाम हम लेंगे नॉर्मल तरीके से लेंगे, जुलाई में लेंगे, राइट। लेकिन इसमें उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी कि अगर नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं है, जो कि वो जुलाई में कह रहे हैं, तो फिर एग्जाम लेने के लिए कह रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE सिस्टम फॉर फाइनल सेमेस्टर, फाइनल टर्म एंड फाइनल ईयर UG एंड PG स्टूडेंट्स, राइट। यानी जो BCom कर रहे हैं और जो MCom कर रहे हैं, दोनों के लिए उन्होंने बोला है, फॉर ऑल प्रोग्राम एंड स्ट्रीम अलॉन्ग विद द एरिया, जो भी उसका ईयर होगा, इसे हम बैक बोलते हैं, राइट, उनके एग्जाम होंगे और प्रीवियस सेमेस्टर और जो भी टर्म में होगा। स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट एंड कोर्स इज फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम सिटिंग एट होम एंड एनी प्लेस एज पर द इंस्ट्रक्शन गाइडेंस इशूड इन दिस रिगार्ड। अब इन्होंने बता दिया सिटिंग एट होम होगा, राइट। अगर एग्जाम सेंटर होता है तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर ही दिया होगा, आपको सेंटर अलॉट हो जाएंगे, लेकिन चांसेस क्या है, आपको भी लगता है कि एग्जाम सिटिंग फ्रॉम होम बेटर है ना, और उसमें आपको सिर्फ एक मेथड तरीका अडॉप्ट करना है कि इस तरीके से आप उस पेपर को देना है, राइट। तो ये इनका एक नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस पे एक एग्ज़ाम की, एक एग्ज़ाम का नहीं है बेसिकली, वो किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए एक उन्होंने छोटा सा आर्टिकल दिया है। तो ये आप एक तरीके से पूरा ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, राइट। इस आर्टिकल को मैं अब ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा, जो मैसेज देना था वो मैंने आपको प्राइमरी वीडियो से दे दिया, राइट। अब मैं आपको एक दूसरा मैसेज दिखाता हूँ जिससे आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा। ये है वो आर्टिकल जो एक न्यूज़पेपर में है, और इस आर्टिकल थ्रू ये मैसेज एक तरीके से ये कंफर्मेशन होती है कि एग्ज़ाम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से लेने के मूड में है, ऑनलाइन लेने के मूड में है, और आपके घर से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया है, ऑनलाइन ओपन बुक योर एग्जामिनेशन, राइट। आप अपनी बुक को ओपन करके आप जो भी क्वेश्चन है उसको देख के आंसर कर सकते हैं, बट जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि बुक ओपन करके हम लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट का पता होना ज़रूरी है, आपको स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी देगी, आप अगर उससे फैमिलियर है, उस चैप्टर क्वेश्चन को आपने कर रखा है, उस टॉपिक से आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो आपको क्वेश्चन ढूंढना और करना आसान होगा, राइट। हाँ,
तो उस तरीके से इसमें ये पूरा आर्टिकल इसमें है, आप इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। अब इसमें जो मेन चीज़ है उस पर बताना था कि एक पहली बार तो यूनिवर्सिटी इसमें इन्होंने बता हुआ है, ये मैं आर्टिकल आपके सामने पढ़ देता हूँ, हाउ इट विल बी डन, राइट। इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ हाउ इट विल बी डन, स्टूडेंट विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम्स, राइट, आप घर से एग्जाम देंगे, विल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, आपको एक पोर्टल बता दिया जाएगा, यूआरएल नंबर आपको मिलेगा, उस यूआरएल से आप लॉगिन करके आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन द प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स, 3 आवर्स की जगह ना होगा, कितने घंटे होगा जो मैंने आपको बताया 2 आवर्स का होगा, एंड एक्स्ट्रा आवर्स फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, राइट। कुछ घंटे यानी मान सकते हैं 1 घंटे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा जो आपको डिवोट होगा क्वेश्चन को डाउनलोड करने में और अपने आंसर शीट को अपलोड करने में, राइट। ऑन कंप्लीशन ऑफ द आंसर पेपर विल हैव टू बी स्कैन एंड अपलोडेड आफ्टर 3 आवर्स, यानी आपका टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स ही है, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम पेपर का कंटेंट है जो आपको आंसर देना है वो 2 आवर्स का टाइम आपसे मांग रहा है, राइट। ये सब हो गया। अब ये टास्क फॉर द टीचर लिखा हुआ है, ये उनके लिए है जो एक तरीके से गाइड कर सकते हैं टीचर्स को, तो मैंने आपको बता दिया, आप नॉर्मल स्टडी कंटिन्यू करो। टूल्स आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर लैपटॉप और पीसी है तो बेटर है, नहीं तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, कभी मैंने दिया नहीं या कैसे होगा, सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऑलवेज़ वेलकम द टेक्नोलॉजी, ऑलवेज़ वेलकम द न्यू एरा, राइट। अब प्रॉब्लम विद ओपन बुक, यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है यहाँ पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग मटेरियल एंड नोट्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन कैंपस पीजीज बाय मैनी स्टूडेंट व्हेन दे लेफ्ट फॉर द मिड सेमेस्टर ब्रेक। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों ने बुक ही ना ली हो, राइट, कुछ बच्चों के पास बुक अवेलेबल ना हो, ये एक इशू हो सकता है, अब वो एग्जाम कैसे देंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। मैनी डोंट हैव वाईफाई कनेक्शन, हो सकता है किसी के पास वाईफाई कनेक्शन ना हो या मोबाइल पैक ना हो या नेट तेज ना चलता हो, ये इशू हो सकता है। मैनी डोंट हैव लैपटॉप्स एंड डिपेंडेबल स्मार्टफोन, ऐसा भी हो सकता है आपके पास पीसी या लैपटॉप ना हो। लॉन्ग पावर कट्स भी होता है कुछ एरिया में, आर्टिकल बता रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मेरिट बेस्ड इवेल्यूशन इज डिस्कार्डेड, कहीं पे मेरिट बेस्ड इवेल्यूशन का एक तरीके से आपने इसे मजाक कर दिया। क्वेश्चंस ऑफ इनविजिलेशन ऑफ सम मे हायर अ स्क्राइब ऑफ राइट फॉर देम, अब यहाँ पे हो सकता है कि शायद जो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम ले जाएगा उसमें आपको शायद चेकिंग करने में उसको प्रॉब्लम है, ऐसा बता रहा है आर्टिकल, राइट। इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो एक तरीके से आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू मैं बताना चाह रहा था कि अब ये एक तरीके से ओपनली ये हो चुका है कि एग्जामिनेशन जो आपका है ऑनलाइन होगा और वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी एक तरीके से जैसे आप घर पे काम करते हैं जॉब करते हैं इस तरीके से आपको एक तरीके से फीलिंग आएगी एग्जाम फ्रॉम होम की, राइट। इस वीडियो के थ्रू छोटा सा मैसेज ये था सिर्फ आपको देने का कि आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो भी टूल्स होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, कर भी दिया गया है, बहुत से टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को बता दिया है, राइट। तो ऑलवेज वेलकम द यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, ऑलवेज कॉपरेट विद योर यूनिवर्सिटी कॉलेज, राइट। जो भी वो चेंजेस लेंगे हमें उनको कॉपरेट करना है, उसका कोई भी विरोध नहीं करना, उससे क्या होता है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बन के आते हैं, राइट। और जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी हम उसके मेथड अडॉप्ट करके और जितने अच्छे हम परफॉर्म कर सकते थे, जितने अच्छे मार्क्स ला सकते थे, जो हमारा प्लान था वो हम परसेंटेज लाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ दिस वीडियो इज़ नॉलेजेबल एंड यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट।